जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन पीली सरसों का ये एक छोटा सा टोटका करने से आपकी हर परेशानी दूर होगी और सुख चैन से आगे का जीवन कटेगा। ज्येष्ठ महीने की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ गंगा माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन कुछ उपाय काफ़ी असरदार होते हैं। हिंदू धर्म में गंगा जल को बेहद ही पवित्र माना गया है। गंगा दशहरा का त्यौहार माँ गंगा को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा का त्यौहार ज्येष्ठ महीने की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और विधि पूर्वक गंगा की पूजा करते हैं। इस दिन पीली सरसों के कुछ उपाय करने से संपन्नता, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन कौन सा आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धन की समस्या से जूझ रहा है तो गंगा दशहरा के दिन पीली सरसों को गंगा जल में धो करके साफ कर लें। अब इसे कपूर के साथ एक पीले कपड़े में बांध करके पोटली बना लें और इसे घर के मेन गेट पर लटका दें। इससे धन संबंधी अगर कोई भी परेशानी आपके घर में चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति घर में सुख समृद्धि चाहता है तो गंगा दशहरा के दिन एक कांच की कटोरी लें। अब इसमें पीली सरसों डाल करके इसको घर के ईशान कोण में रख दें। अगले दिन इस कटोरी को दान कर दें। इससे घर में सुख समृद्धि रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के घर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों में मन मुटाव होता रहता है तो घर में पीली सरसों जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। इस उपाय से घर में शांति बनी रहती है। गंगा दशहरा के दिन पितरों की शांति के लिए भी उपाय किया जाता है। इस दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए गंगा में तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है तो गंगा दशहरा की शाम कपूर ले लें, इसे पीली सरसों के साथ में जला दें। अब इससे निकले हुए पूरे धुएं को पूरे घर में घुमाएं। इस उपाय को करने से घर में लगी हुई नज़र उतर जाएगी। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोज़, इस तरीके की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।